आफ्टर यहाँ पे ये स्टेज में ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपने सारे वीडियोस देखे होंगे बिकॉज इट इज अ ग्रेट एफर्ट फॉर अस, है ना। जनरली आप भी फील कर रहे होंगे कि ये छुट्टियां जैसे चल रहा है तो आप कितना कितने टाइम दिन में पढ़ते हो, कितना कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, ये सब मेरे लिए भी उतना ही सही है जितना आपके लिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग लाइक यू, राइट। बट फिर भी कैसे भी करके स्ट्रेच करके मी एंड माई कंपेनियन हैज ट्राई टू रिकॉर्ड दिस वीडियो सो हमारी मेहनत पानी में ना जाए, ये आपके हाथ में है। और दूसरा, हमारी मेहनत तो चलो पानी में मैं ही डाल दू, बट ये चैप्टर फिर से नहीं होगा तो वीडियोज में ही आपको कवर करना है, राइट। ओके, ओवेडी कमिंग टू द लास्ट पार्ट, हमने डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ी, उसमें हम लास्ट में आ रहे हैं ओवेरी एंड टेस्टिस। ओके, ओवेरी और टेस्टिस के बारे में हम सिर्फ यहाँ पे हॉर्मोन तक ही लिमिटेड रखेंगे अपना नॉलेज, बिकॉज ये पूरा चैप्टर है हमारा ओवेरी की हिस्टोलॉजी। ये जो यहाँ पे आप फेज देख रहे हो वो फॉलिकुलर फेज है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट है, ओवेरियन साइकिल, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। अगर मैं क्लास में होती तो यहाँ पे ही डिटेल में पढ़ लेते, बट यहाँ पे हम सिर्फ विद दिस वर्चुअल मीडिया हम सिर्फ क्या करेंगे, हॉर्मोन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये ओवेरी का टीएस है, ओके। और ओवेरी फीमेल में होती है, लेट मी टेल यू, रिमाइंड यू, आप कुछ गलती गलती ना कर दो। ओके, गोनाड्स या तो जुनाइटल ऑर्गन, राइट। ओवरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओवम, एग सेल। ये एग सेल प्रोड्यूस करने के लिए ओवरी में एक साइकिल चलती है, यहां से कुछ फर्क दिख रहा है, ये आप देख सकते हो, ये देखो प्राइमरी फॉलिकल, ग्रोइंग फॉलिकल, फॉलिकुलर सेल्स, फिर ये फॉलिकल का और डेवलपमेंट हुआ, फिर यहाँ पे ओव्यूलेशन, एम्प्टी फॉलिकल। ओके, ओव्यूलेशन, यहाँ पे एग सेल रिलीज हो गया, उसके बाद जो फॉलिकल बचती है उसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम है उसका? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कब बनती है? जब ये एग सेल जो है, ओवरी का फंक्शन क्या है? एग सेल को प्रोड्यूस करना, तो ये प्रोड्यूस करने के बाद जब 14th डे पे ये सब क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी, 14th डे पे एग सेल रिलीज हो जाए। ये एग सेल है, सेल इतना ही है इसके अंदर, ये इतना ही सेल है, पर उसके सराउंडिंग जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है, तो एग सेल रिलीज हो जाए उसके बाद जो एम्प्टी बॉक्स बचता है, एम्प्टी पाउच बचता है, उसका नाम क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम, राइट। तो ये ओवरी का सेक्शन, ओवेरियन टेस्टिस आर नोन एज गोनाड्स। ओके, क्या सीक्रेट करते हैं? हॉर्मोन्स, कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, ये हॉर्मोन से वो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्सुअल डेवलपमेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ओवेरी में से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होते हैं, ये बात सही है, बट ये सीक्रेट करने के लिए ट्रिगर फैक्टर कहां से आता है? याद करो, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जीएनआरएच से गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, वो सिग्नल यहां तक आता है ओवेरी तक, पेल्विक रीजन तक, और वहां से सीक्रेट होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एंड द ओवरी इज ऑल्सो प्रोड्यूस द रिलैक्सिन विच सॉफ्टन द कनेक्टिव टिश्यू और प्रिपरेशन फॉर चाइल्ड बर्थ। टेस्टोस्टेरॉन एंड इनहिबिन टेस्टोस्टेरॉन, देयर इज अ मेल हार्मोन टेस्टिस, राइट, वहां से सीक्रेट होता है, मेल गोनाड टेस्टोस्टेरॉन सीक्रेट करते हैं, responsible for male sexual characteristics and inhibin which controls the sperm's production. Okay, sperm, that is the male genital cell, जैसे female में egg है, and by inhibiting the follicle stimulating hormone FSH, follicle stimulating hormone FSH, LH. Okay, ये कौन सा है? Amenorrhea is the absence of menstrual period in the reproductive age. ओके, ये मेंस्ट्रुएशन के बारे में हम पढ़ेंगे क्लास में, ये मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या होता है? एवरी मंथ फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलती है, राइट, प्राइमरी एमोनोरिया, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर ये एब्सेंस है तो देर इज सम प्रॉब्लम विद इन द फीमेल सेक्शुअल, हमें समझ सकते सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या तो सेक्शुअल सिस्टम। प्राइमरी एमोनोरिया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नेवर स्टार्टिंग, सेकेंडरी एमोनोरिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजिंग, स्टार्ट तो हुई बट रुक गई, राइट। तो ये दोनों साइकिल चलती है ड्यू टू दी हॉर्मोन्स,
ये इम्बेलेंस, ये साइकिल इरेगुलर है अगेन ड्यू टू दी हॉर्मोन्स, या तो ये साइकिल शुरू ही नहीं हुई अगेन ड्यू टू दी हॉर्मोन्स, राइट। एंड ये हॉर्मोन्स का ट्रिगर फैक्टर कहां से आता है? हाइपोथैलेमस एंड देन पिट्यूटरी। ओके, सो दिस इज व्हाट हाइपोगोनाडिज्म, हाइपोगोनाडिज्म गोनाड्स टेस्टिस इन हुए, हाइपो लैक ऑफ सिक्रेशन ऑफ हाइपोगोनाडिज्म या तो गोनाडियल हॉर्मोन। ओके, लो लेवल ऑफ इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, लेट मी, जो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है उसका जो फंक्शन है, पहला फंक्शन उसका है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का दूसरा फंक्शन है इफ एक सेल इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म सेल तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट, जाइगोट से ब्लास्टुला, राइट। और ये जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है उनको इम्प्लांट करना यूटरस में फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये पूरी जो प्रोसेस है वो रेगुलेट होती है बाय एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ओके, ये उनका मेन फंक्शंस है। अब ये अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट नहीं हुए, एस्ट्रोजन सीक्रेट नहीं हुआ, तो दैट कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज नोन एज हाइपोगोनेडिज्म। इरिटेबिलिटी और एग्रेसिवनेस, इनफर्टिलिटी, दिस इज अ प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर, लॉस ऑफ फेलियर ऑफ डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं होगा, सेकेंडरी सेक्शन कैरेक्टरिस्टिक से बॉडी के हेयर ग्रो होना, बोन मास है ना, ये सब नहीं होगा, स्लीप डिस्टर्बेंस, यूरिनरी ब्लैडर डिस्कम्फर्ट एंड स्ट्रिंकिंग ऑफ ब्रेस्ट। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, सम ऑफ द फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सम ऑफ द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो डिस्टर्ब होंगे ड्यू टू द लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, और वो कंडीशन का नाम क्या है? हाइपोगोनेडिज्म। पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, मोस्ट ऑफ द वुमेन में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। पीसीओएस जनरली क्या होता है कि ओवेरी में ये फॉलिकल्स है, राइट, बट ये तो चलो एक साइकिल का पार्ट है, बट जब ओवेरी में कोई एक्स्ट्रा ट्यूमर, ट्यूमर वो कैंसरियस है ऐसी बात नहीं कर रहा है, बट जब अपार्ट फ्रॉम दिस फॉलिकल्स कोई सेल्स का मास ओवेरी के अंदर होता है तो उसे बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉली मतलब क्या? मैनी, सिस्टिक मतलब क्या? सिस्ट, सिस्ट मतलब क्या? सेल का मास, एक फॉलिकल, वो जब मिलता है तो ओवेरी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और वो जो कैरेक्टर है उसे क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फीमेल एंडोक्राइन डिसऑर्डर। ओके, ओवेरी का मास बना क्यों? ड्यू टू द हार्मोनल डिस्टर्बेंस, राइट, अफेक्टिंग अप्रोक्सीमेटली 5-10% ऑफ वुमन विद द रिप्रोडक्टिव एज 12-45 ईयर्स एंड इज थॉट टू बी वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। कॉजेस आर अननोन, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकता है इसका रीजन, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सबका रोल होता है इसमें, इसीलिए ओबेस फीमेल, ओबेस वुमेन को प्रॉब्लम होता है चाइल्ड बियरिंग में, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होता है। ओके, विद पीसीओएस इज ओवेरी मेक द फॉलिकल्स बट द एग्स डू नॉट मैच्योर और लीव द ओवेरी एंड द इमैच्योर फॉलिकल कैन टर्न इनटू द फ्लूइड फिल्ड सैक, और जिसका नाम क्या है? पॉलीसिस्टिक। ओके, सिम्टम्स क्या है? अमेनोरिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होना, याद आ रहा है, प्राइमरी अमेनोरिया, सेकेंडरी अमेनोरिया, इनफर्टिलिटी। ओके, यूरोस्ट्रिज्म, एक्सेसिव माइल्ड सिम्टम्स ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म, जैसे एक्ने और हाइपर अमेनोरिया, राइट, वहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि फीमेल में या तो वुमन में या तो गर्ल्स में या पिंपल्स हो जाना ज्यादा, देन स्क्रैचेस होना स्किन पे, दिस इज ऑल ड्यू टू दी हॉर्मोनल इम्बेलेंस, राइट, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओके, हाई लेवल ऑफ ओवेरियन एंड्रोजन, ओबेसिटी होती है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हार्ट बीट हाई रहती है, हाइपरटेंशन, हाइपरसेक्रेशन, ये सारे इसके, और ये ब्लड क्लोटिंग ठीक से नहीं होता या तो डिक्रीज हो जाती है। टेन टेस्टिस, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये टेस्टिस का सेक्शन है, टेस्टिस मेल गोना, उसका टीएस है, इसमें आपको जो दिखेगा टेस्टिस क्या सीक्रेट करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, सबसे पहले स्पर्म, तो स्पर्म सेल जो है मोटाइल होते हैं और स्पर्म सेल के डेवलपमेंट में भी एक स्टे
स्टेज होते हैं, डिफरेंट स्टेज होते हैं, जैसे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो ये स्टेज ये सेक्शन में दिखेंगे। टीएस में क्या दिखेंगे, ये एक फॉलिकल है राइट, अगर हम बात करें तो इसमें स्पर्म के डेवलपमेंटल स्टेज आपको दिखेंगे। ओके, टेस्टिकल्स इज टू प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ एंड टू सीक्रेट द सेक्स हॉर्मोन, सर्कुलरी सेल्स राइट, ये सारी बात है, ये सब कर रहे हैं। अगेन उसमें भी हाइपोगोनाडिज्म ड्यू टू द लैक सीक्रेशन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस में सीक्रेट क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन अगर कम सीक्रेट होता है तो उसकी वजह से ये होता है प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म। व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम और एबनॉर्मलिटी इन टेस्टिकल्स देमसेल्स, टेस्टिस में ही कुछ प्रॉब्लम है। सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म, सॉरी हाइपोगोनाडिज्म, टेस्टिस ओके है बट टेस्टिस में से जो हॉर्मोन सीक्रेट हो रहा है या तो पूरी जो चेन है पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से टेस्टिस, वो चेन में कुछ प्रॉब्लम है तो सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म राइट। प्राइमरी कब टेस्टिस में प्रॉब्लम है, सेकेंडरी कब वो जो चेन है पिट्यूटरी इन द ब्रेन इट सेंड्स द केमिकल मैसेजेस टू द टेस्टिकल्स, उसमें कुछ प्रॉब्लम है तब सेकेंडरी। सिम्टम्स तो टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल, सेक्शुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, सेक्शुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट, तो ये कुछ भी नहीं होगा है ना, सेक्स ड्राइव डिक्रीज हो जाएगा, बियर्ड जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ग्रो नहीं होगा, बॉडी हेयर्स मस्कुलाइन ये कुछ भी डेवलप नहीं होगा, मसल्स मास इंक्रीज इन बॉडी फैट एंड लार्ज मेल ब्रेस्ट टिश्यू। ओके सो ये हाइपोगोनाडिज्म। देन टेस्टिकुलर कैंसर, टेस्टिस में कैंसर, नंबर ऑफ मेल आर सफरिंग विद द टेस्टिकुलर कैंसर इन द लेटर स्टेज आफ्टर 50 ड्यू टू द हॉर्मोनल इम्बैलेंस। अगेन कैंसर मतलब क्या, मास टिश्यू ज्यादा बनना। व्हेन द एबनॉर्मल सेल्स इन द टेस्टिकल्स डिवाइड एंड ग्रो अनकंट्रोल्ड, ये टेस्टिस है, स्क्रोटम है और ये टेस्टिस का सेक्शन हमने देखा था राइट। टेस्टिकुलर कैंसर कैन डेवलप इन वन और बोथ द टेस्टिकल्स। सिम्टम्स क्या है, इरेग्युलर मास, इसीलिए उसके फंक्शन इरेग्युलर हो गए। फंक्शन क्या है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्सुअल हॉर्मोन, ये सारे फंक्शंस इरेग्युलर, पुलिंग द सेंसेशन और फीलिंग ऑफ द अनयूजुअल हैवीनेस इन स्क्रोटम, डल एचिंग इन द ग्रोइन और लोअर एब्डोमिनल और पेन और डिस्कम्फर्ट राइट। ओके सो दिस इज व्हाट अबाउट द गोनाड्स राइट, मैंने शॉर्टली लिया क्योंकि हमें इसके बारे में पढ़ना ही है, सब कुछ पढ़ना है राइट। ओके और लास्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस वर्चुअल मीडिया, जब हमने बिगनिंग किया था तब हमने देखा था कि मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा भी दूसरे ऑर्गन से जो कुछ और फंक्शन करते हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी, हार्ट, बट वो साथ साथ में हॉर्मोन भी रिलीज करते हैं राइट। तो ये हो गया आपका वो हॉर्मोन, एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट से, एट्रिया याद आ रहा है, हार्ट याद आ रहा है, तो उसकी वॉल से जो सीक्रेट होगा एट्रियल न्यूट्रिएटिक फैक्टर ANF विच डिक्रीज द ब्लड प्रेशर व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ओके कैसे कंट्रोल करता है, डिक्रीज कैसे करता है, डिलेशन है ना, वॉल्यूम पी अपॉन वी, प्रेशर डिक्रीज करना है वॉल्यूम इंक्रीज करो राइट, डिलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स विच रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। देन नेक्स्ट जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, इरिथ्रोपोएटिन विच स्टिम्युलेट्स द फॉर्मेशन, इरिथ्रोपोएटिन के बारे में हमने पढ़ा है, इरिथ्रोपोएसिस ये पूरी प्रोसेस हमने पढ़ी है, इरिथ्रोपोएसिस ब्लड सेल फॉर्मेशन, वो प्रोसेस के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, इरिथ्रोपोएटिन, वो कहां से सीक्रेट होता है, किडनी, किडनी में कहां से, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल JCG ये आपने पढ़ा है राइट, मैं नहीं बताऊंगी इसके बारे में। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिफरेंट हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड, कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, HCL, यहां पर आपको ये याद करना है कि ये हॉर्मोन कौन से सेल से सीक्रेट होते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन कौन से सेल से होता है, GIP कौन से सेल से, HCL कौन से सेल से राइट। सो दीज सीक्रेशंस आर वर्क फॉर द एक्सोक्राइन फंक्शन, सीक्रेशन एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन बिहाइंड ऑफ पैंक्रियास एंड स्टिम्युलेट द सीक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स आयन एंड वॉटर, CCK acts ऑन द पैंक्रियास एंड गोल ब्लैडर, स्टिम्युलेट्स देम टू सीक्रेट द पैंक्रियाटिक एंजाइम एंड बाय GIP inhibits the gastric secretion, right? जब फूड है
सेमी डाइजेस्टेड फूड वो इंटेस्टाइन में आ जाए तो स्टमक का फंक्शन अब नहीं रहा, तो इसलिए गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। मेनी एंडोक्राइन टिश्यू सीक्रेट्स अ हार्मोन नोन एज ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, याद रहा है GF1, GF2, विच आर इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू दैट रिपेयर एंड रीजेनरेशन। सो दिस इज व्हाट, अपार्ट फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड अदर ऑर्गन्स विच आर सीक्रेटिंग द हार्मोन्स। सो विद दिस वी आर सपोज टू बी ओवर ऑल हियर, राइट? हमने सब कुछ किया, पूरा चैप्टर किया, यहाँ के साथ हमारा वर्चुअल मीडिया का चैप्टर भी खत्म होता है, 11th भी खत्म होता है। नाउ योर जॉब इज टू बी स्टार्टेड। आपको जितने भी वीडियोस मैंने आपको पोस्ट किए हैं वो सारे आपको देखने हैं, लर्न करने हैं, प्रैक्टिस लिखनी है। व्हेन वी विल बी रिज्यूमिंग द क्लास, एट दैट टाइम आई विल आस्क, इन द फर्स्ट डे फॉर क्लास आई विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, रिमेम्बर दिस। कोई भी बच्चा होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, राइट? सो प्लीज बी प्रिपेयर विद योर सेल्फ, ओके? मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करना है और हमें अपना स्टडी कंटिन्यू रखना है, ओके? आई होप यू ऑल आर फाइन। अगेन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।